यह खूबसूरत हीरे गीतांजलि जेम्स की मिल्कियत है। हीरे की कटिंग, पॉलिशिंग, ज्वेलरी वगैरह का धंधा करने वाली हिंदुस्तान के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक। इसके मालिक मेहुल चौकसी के दादा साउथ अफ्रीका के किसी खान से खुद इन हीरों को चुने थे। 72 साल से ये हीरे चौकसी परिवार की धरोहर है। आज पहली बार इन बेशकीमती हीरों की पब्लिक एग्जीबिशन की जा रही है, मगर ओनली बाय इन्विटेशन। आखिर ऐसे खास हीरों को देखने के लिए आप जैसे खास लोगों की जरूरत है। एंड लुक हू वी हैव हियर। वेरी मैग्निफिक। Est-ce que tu les aimes, ma chérie? Mais oui. She likes them. गिफ्ट रैप कर दीजिए। क्या लेंगे, चेक या कार्ड? वेलकम मिस्टर बॉबी बम्बाटा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। वैसे इन हीरो की कीमत 100 करोड़ है। कीमत हीरो की नहीं, पसंद की होती है, और इन्हें ये डायमंड्स पसंद है। इन हीरो के मालिक मिस्टर चौकसी के मैनेजर मिस्टर संपत यहाँ मौजूद हैं। आप मिलना चाहेंगे? नॉट रियली, लेकिन वो एक कहावत है ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो आप डायमंड्स के लिए मिलना है तो मिलना है, मिलेंगे आपके मिस्टर क्या नाम बताएं? मिस्टर संपत, मिस्टर बम्बाटा, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ट्राइकॉन ग्रुप, 20,000 करोड़ कंपनी के मालिक। आई एम सॉरी, 21,000 करोड़ कंपनी के मालिक और सबसे तेज ग्रोथ। आई लीव यू टुगेदर। आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। क्यों जी? नहीं, मेरा मतलब है कि ना मैं आपका कोई दोस्त संबंधी हूं, ना कोई फिल्म स्टार हूं, ना आपके नाम कोई जायदाद छोड़ी है, फिर आप मुझसे मिलकर इतने खुश क्यों हैं? रियली मिस्टर बम्बाटा, आपके साथ साथ आपके आर्ट कलेक्शन का भी सुना है, बड़ी तमन्ना है देखने की। तमन्ना है उतनी बड़ी होनी चाहिए जो आपकी जेब में फिट हो सके। मिस्टर व्हाटएवर, आप अपने बॉस से बात कीजिए। लाइक आई सेड, 100 करोड़ आपके हीरों की कीमत और 100 करोड़ हमारी पसंद की। 200 करोड़ एनी टाइम एनी वे। ये हीरे सिर्फ हीरे नहीं, ये गीतांजलि ग्रुप और चौकसी परिवार की इज्जत भी है। दे नॉट फॉर सेल। कीमत सही मिल जाए तो मुल्क बिक जाते हैं मिस्टर संपत, ये तो आखिर हीरे हैं। आप मिस्टर चौकसी से बात कीजिए। चौकसी साहब इसे किसी कीमत पर नहीं बेचेंगे, इतने सालों में इतने ऑफर आए। ऑलवेज चीयर्स। एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज। ये है म्यूजियम का लेआउट। यहाँ 3 सिक्योरिटी कवर है। बिल्डिंग के बाहर 4 कैमरे इधर और 4 कैमरे उधर। यह है म्यूजियम का एग्जीबिशन सेंटर जहां हीरे हैं। यहां पे लेजर बीम्स का सिक्योरिटी कवर है। अगर एक भी लेजर बीम टूट जाए तो यहां से लेके पुलिस स्टेशन तक सभी अलार्म बजने लगेंगे। लुक, स्क्रू ऑल दिस। कब? गणपति विसर्जन के आखिरी दिन, जब म्यूजियम बंद होगा और गार्ड्स बाहर होंगे। इसीलिए मुझे ये धार्मिक त्योहार इतने पसंद है यार। गॉड ब्लेस गॉड। चीयर्स। नाइस। और फिर हीरो की संजीवनी तक पहुंचने के लिए हम एक हनुमान भी ले आएंगे, राइट? वो है मेरे पास। हीरों तक पहुंचने के लिए आखिरी कड़ी। रणजीत, रणजीत माय बॉय, यू फीलिंग ओके? हमें इन हीरों की चोरी करवानी है, मॉडलिंग नहीं। हम प्लान नहीं। Girl, Tora, 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 Tora. Where the hell have you been? चोरी तक का प्लान उनका और चोरी के बाद हमारा। वो हीरे निकालने के बाद मैं
वीटी स्टेशन पहुंच जाऊंगी और वहां पे लॉकर नंबर 8 में हीरे डालकर उसकी चाबी तुम्हारे पोस्ट बॉक्स में डाल दूंगी और उसी रात को मैं फ्लाइट पकड़कर हांगकांग चली जाऊंगी और तुम अगले दिन सैम की बोर्ड से निकल जाना हीरे लेके। नो पुलिस, नो कस्टम्स। और भाई, जब 100 करोड़ के हीरे जेब में हो तो दुनिया बहुत बड़ी जगह होती है छुपने के लिए। दीदी, टेक केयर। सी यू सून भाई। या ओके। Slowly, one foot ahead. Go, go, go. Slowly. Okay, left leg go. Toe. Parallel to the floor. Go. In.
That's it. Bring them to daddy. कहाँ हो तुम? दौड़ा! Torah ne double block kar diya. Now you get that bitch. रंजीत, मुझे सिर्फ इतना सुनना है कि लड़की मिल गई है और हीरे तुम्हारे पास है। उसे चाकू लगा है, जख्मी हालत में वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती। चाकू? रंजीत, तुम्हारा प्रॉब्लम ही है कि तुम्हें प्यार से समझाना नहीं आता। अगर समझाने से 100 करोड़ के हीरे मिल जाते तो फिर चोरी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा।
ओए तांबा 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 क्यों बे शाणे, रेस कोर्स 3 किलोमीटर आगे है। नहीं साहब, मैं तो मेम साहब का अस्पताल ले जा रहा था। नीचे उतर। क्या हुआ साहब, क्या क्या हुआ, क्या लफड़ाई है, कौन है रे? पता नहीं साहब, मुझे रास्ते में मिली थी। ए, नाटक नहीं करने का, कहाँ ले जा रहा था इसको बता, बोल कहाँ ले जा रहा था, लाश सिखाने लगाने। अरे नहीं साहब, मेरे साहब को अस्पताल ले जा रहा है। चुप कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं इसको 300 में। चल रहे चल, और साहब को फोन कर रहे हैं, और ये चाकू है ना वो फिंगरप्रिंट्स के लिए भेजता है। चल मेरी बात चल। बेटे मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस कहती है कि मैंने चाकू से। बेटे मैं तो एक घायल औरत की मदद करने की कोशिश कर रहा था, और इन लोगों ने तो मुझ पे ही मेरी बेटी को ऐसे हालात में ऐसी जगह पर मुझसे मिलने आना पड़ा। ये मेरे सर पे खून के इल्जाम से बढ़कर नहीं तो और क्या है मेरी बेटी। मैं तुमसे और सीमा से बेहद प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। ये मरीज को होश कब तक आएगा? अपने को बयान लेने का है। होश? आप होश की बात कर रहे हैं? ये वार्ड नंबर 8 है भाई, इसका मरीज 2 पांव में नहीं 4 कंधों पे आता है। अरे इसे तो होश आ गया, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ। आप अपनी आखिरी वसीयत बाद में लिख लेना, मैं पहले डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ये मेरा एक काम कर दो, मैडम ये लीजिए, ये लीजिए, आपको जो लिखना है वो लिखिए। मैंने आपका आधा काम तो कर दिया। उन्नीस, 18, 17, 16 और ये 15। लो मैडम, आपका काम पूरा हुआ। इट्स माय प्लेजर। मैं चला जवेरी बाजार। रेड रॉबिंग हुड, जैसे मुझे पकड़ती हो ना, ऐसे ऐसे पकड़ो। ओके, पुल 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 एंड गो। अंजीत माय बॉय, कहाँ है मेरा 100 करोड़ का बर्थडे प्रेजेंट?
जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो लड़की मर चुकी थी और हीरे उसकी बॉडी पर नहीं थे। रंजीत तुम कब समझोगे, सही निशाना लगाने के लिए कभी कभी चूकना भी जरूरी होता है। तोरा का एक भाई है करण, शायद उसे हीरो के बारे में कुछ पता होगा, उठा लूं? Oh, no, Ranjit, you can't do that. Don't be absurd. एक काम करो, उसे एक इनविटेशन कार्ड भेजो, निमंत्रण पत्र। प्रिय क्या नाम है सर? करण। प्रिय करण साहब, आपकी माननीय कमीनी बहन ने जो हमारे 100 करोड़ के हीरे हजम करने की कोशिश की है, हम पूरी तरह से यकीन रखते हैं कि आप उन हीरों की पूरी जानकारी रखते हैं, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आपकी माननीय शख्सियत हमारे गरीब खाने तक आए ताकि हम आपका पूरे मानव सम्मान के साथ टॉर्चर कर सकें। योर्स सिंसियरली बॉबी बम्बाटा। हाउ्स दैट? एंड प्लीज 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 इस बार कोई चाकू नहीं, ये आदमी हमें जिंदा चाहिए। फॉर अ चेंज। हीरे का है करण, तोरा सही कहती थी रंजीत, तुम अपने अलावा किसी और के नहीं हो सकते। कमाल करते, डबल क्रॉस करो तुम और इल्जाम मुझ पर। मैंने तो कभी 100 करोड़ की दोस्ती नहीं की थी, ना तुमसे ना तोरा से। रंजीत माय बॉय, एनी ब्रेकिंग न्यूज? इसे पता तो है, लेकिन बहन की मौत के सदमे से बेचारा इमोशनल हो गया, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। ज्यादा वक्त नहीं हमारे पास। राइट। लुक सारा, पुलिस का केस काफी मजबूत है, तुम्हारे फादर के कपड़ों पर खून, चाकू पे उंगलियों के निशान और उस औरत का बयान दिए बिना ही मर जाना, देयर केस इज वेरी स्ट्रॉन्ग। फिलहाल तुम 50,000 रुपए का इंतजाम कर लो, बाकी जमानत के बाद देखेंगे। घर का खर्च, स्कूल फीस, लॉयर के पैसे, इतना खर्चा, इतना सारा पैसा कहाँ से लाएंगे दीदी? सब हो जाएगा, तू क्यों फिक्र करती है? साइड का कमरा खाली कर दिया है। क्यों दीदी? किराए पर दे देंगे। इससे पैसे पूरे हो जाएंगे? पूरे तो नहीं, इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। बाहर का रास्ता दिखाई दिया? ओए यहाँ मैं खुद को नजर नहीं आ रहा, बाहर का रास्ता क्या नजर आएगा? अब बेटर है। अबे तू सुरंग खोद रहा है कि कुआं? अबे बाहर जाना है, नीचे नहीं। एक आध फीट की बात और है, बाहर की नशीली हवा आनी शुरू हो गई है, पहली धार का माल। ओए लगता है कोई आ रहा है, मुंह बंद रखना। ओ, क्या कर दिया? मान ज्ञान को नसागर, जय कपे सते हु लोक उजागर। धंधा अच्छा है, बाहर निकलकर मंदिर डालने का इरादा है। सुरवे भाई, इस तस्वीर में से हनुमान जी क्या चमत्कार दिखाते हैं, क्या पता। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। जय। ये क्या पढ़ रहे हो? ये हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा? ये अंग्रेजी में है, वो हनुमान जी लंका जलाकर एस्केप कर गए थे ना, ये तब की कहानी है, वो ब्रिस्बेन में सेटल हो गए थे। ये राजा इस तरह कोने में क्यों पड़ा है, सांस भी नहीं ले रहा? वो ये रात भर के उपवास और पूजा से थक गया है, अभी जगाता हूँ।
सांस नहीं ले रहा, कहीं निकल तो नहीं गया। अबे राजा, अबे उठ। लगता है तुम लोगों की ऊपर वाले से डायरेक्ट लाइन लग गई है। बाकी की सजा माफ हो गई है। मर गए क्या? मेरा मतलब हमारे सारे पाप और कुकर्म मर गए। सब प्रभु की लीला है। आप ऐसा कीजिए, हमें 5 मिनट का वक्त दीजिए, हम 10 मिनट में आते हैं। जल्दी चलो। राजा, रे राजा वापस आ जा। अबे तू कहां रह गया? जेलर की बेटी पसंद आ गई क्या? वो तेरा डिपार्टमेंट है, अब बकवास बंद कर और जल्दी से वापस आ। हमारी सजा माफ हो गई है। क्या सजा माफ? तो पिछले 3 महीने से क्या जेलर की कब्र खोद रहा था यहाँ पे? अबे हमारा रिलीज ऑर्डर आ गया है। अरे यहाँ हमारा बॉर्डर आ गया है, मैं तुझे मेन गेट पे मिलता हूँ, तुझे आना है तो आ। अबे बेवड़ों के बादशाह, कभी तो होश की दवा कर। वो तो हम मजबूरी में भाग रहे थे, अब सजा ही माफ हो गई है तो फिर क्यों पंगा लेना? चल बाहर निकल। किस्मत, मेरा मतलब अंदर आ। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारह ना। इस जेलर की तो इन कपड़ों का क्या हाल बना रखा है? देखा, साफ निकल जाते तो कोई नहीं पूछता। हमारा मतलब साफ सफाई, हम लोग साफ सफाई में लगे थे। आपने इतने प्यार से हमें यहाँ रखा है तो हम कोठरी को गंदा कैसे छोड़ सकते थे? देखो, मेरे रिकमेंडेशन से तुम्हारी बाकी की सजा माफ हो गई है। ये कमाल है डिसूजा साहब। हाँ समझ गया, कि जब हम बाहर होते हैं तो कानून वाले धकेल कर हमको अंदर कर देते हैं, नहीं राणा साहब? लेकिन जब हम अंदर होते हैं तो कानून वाले धकेल कर हमको बाहर कर देते हैं। अब तो जिंदगी और फुटबॉल में फर्क समझ में आना बंद हो गया है। छोड़। ओ सॉरी, नाक में दम कर रखा है। मेरा पौवा नहीं है, पी गए होंगे। बदलो, तुम लोगों को बदलना होगा। यहाँ बदलने के बाहर? अरे तुम लोगों को अपने आप को बदलना होगा। अरे डिसूजा साहब, हम तब बदलेंगे जब यहाँ से जाएंगे, तब ना। इसका कहने का मतलब ये है सर कि हमारे पास तो घर जाने का किराया तक नहीं है। तुम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करूंगा। हाउ मच यू नीड? तू कहाँ रहता है? बेंड्रा। बैंकॉक। मैं कहाँ रहता हूँ? साइन। सिंगापुर। देख, बिजनेस क्लास टिकट रहने देते हैं। ओके। इकोनॉमी ठीक है। चलो ठीक है। तेरे 15 पकड़, मेरे 15 पकड़। 20 और 15 60 60,000। 55 भी चलेंगे। निकलो यहाँ से। Get up! I don't want to see your very faces again. Get up! 55 साल के लिए अंदर कर दूंगा। Get out of here! अगर पुलिस स्टेशन के आसपास दिखाई दे, अंदर ले आऊंगा, अंदर कर दूंगा तुमको। Shetty. That was a shetty thing to do. वक्त से पहले ही तुमने इसे रक्षाबंधन के लिए भिजवा दिया। अब अगर इसने तुम्हें ये मरने से पहले नहीं बताया कि 100 करोड़ के हीरे कहां छुपे हुए हैं, We have a problem. I'm sorry. It was a mistake. Mistake तो तुम भी हो, अपने माँ बाप की। Anyway, make a choice. Cricket या golf? Cricket or golf? Cricket, golf. Good choice. वैसे भी क्रिकेट का इस देश में कोई फ्यूचर नहीं। Golf. क्लीनर साहब, तुम करण को ठिकाने लगाओ, शेट्टी को मैं संभालता हूं। बाहर निकलते ही शुरू हो गया? अरे अंदर जाते बंद भी तो कर देता हूं यार। हरिओम। तू ऐसा कर, तू भी 2 घूंट लगा ले, तेरी लाइफ में भी कलर आ जाएगा। हाँ, मेरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट ही अच्छी है। और अब सनसनी में देखिए, दिन दहाड़े किस तरह शातिर चोर ले उड़े 100 करोड़ की गीतांजलि हीरे, कैमरे, गार्ड, लेजर और जबरदस्त सिक्योरिटी के बावजूद सनसनीखेज वारदात। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। चौकसी परिवार के 100 करोड़ के गीतांजलि हीरे इस समय कहाँ हैं? ये 100 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? इसे कहते हैं धंधा। साला फुल एंड फाइनल 100 करोड़।
नौ क्या जीरो सौ करोड़ में ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। ये साला बार बार अंदर बाहर अंदर बाहर करते करते दारू का स्वाद भूल जाता हूँ। अबे तू दारू और कन्या के बारे में सोचना बंद करेगा तभी तो दिमाग को कुछ नया सूझेगा। ये ढाबे पे बैठ के फाइव स्टार के ख्वाब नहीं देखते। अरे इरादों में तो कंगाली न रखे राणा साहब। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इशारा हो और सौ गाड़ियां खड़ी हो सामने। अरे क्या कोई रोकता ही नहीं है। इससे ज्यादा अच्छे तो हम जेल में थे यार। अंदर रख अंदर रख। मैं भी कहूं कि गाड़ी रुक क्यों नहीं रही। ताला दारू का चलता फिरता पोस्टर। ओए ओए वो देख एक लड़की आ रही है। अरे तू हट तू हट। ये मेरा डिपार्टमेंट है। हट। हेलो। ओए तू बोतल अंदर रख। मन्ना है टकन मक्खन आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। पीछे हट। कमाल हो गया भाई लाटरी लग गई। हेलो। ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। ओए ये बहुत नटखट है जी। वेलकम बैक जी। लगता हमें इतनी देर से लिफ्ट इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि हमें आपका इंतजार था। आई मीन आपकी गाड़ी का इंतजार था। रियली? यस यस यस। आप तो किसी के भी घर को स्वर्ग बना सकती हैं। घर में रहने वालों को स्वर्गवासी। क्या जी मेरा मतलब आप हमें कुछ दूर तक लिफ्ट दे सकती हैं? आपकी बहुत मेहरबानी होगी। कहाँ तक जाएंगे आप? जहाँ तक आप ले जाएंगी। लेट्स गो। चलिए बैठिए। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए। आप बैठो। ए यहाँ कहाँ बैठ रहा है? पीछे बैठ। पिटवाएगा क्या? मैं पीछे बैठूं? ठीक है तू आगे गाड़ी चला मैं ब्यूटीफुल के साथ पीछे बैठता हूँ। ए क्या बोल रहा है तू? अरे ड्राइवर तू लगता है वो लगती है क्या? तू पीछे बैठ। और फिर ये हनुमान जी की मूर्ति नहीं है खूबसूरत लड़की है। खूबसूरत लड़की के साथ कैसे पेश आना चाहिए ये राजा तुमसे बेटर जानता है। ओके सिट डाउन। कम ऑन शाबाश शाबाश शाबाश। बैठो बैठो। हां आप लोग देखिए मुझे लगा कि मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है। क्या नाम बताया आपने? मैंने अब तक नाम नहीं बताया। ओह माय गॉड। वैसे अगर आप अपना नाम बताती तो क्या बताती? मोना। मोना। ओ मोना कितना अनयूजुअल और मीठा नाम है। मोना मैंने आज तक नहीं सुना। आप लेंगी? जी नहीं मैं ड्राइव करते वक्त नहीं पीती। मैं भी नहीं पीता। ये तो आप ड्राइव कर रही थी इसलिए थोड़ा थोड़ा इंस्पायर हो गया था। आपके मेरे ख्यालात कितने मिलते हैं? अरे आप कहाँ जा रही हैं मैम साहब? कहाँ जा रही है मतलब मैडम की गाड़ी है जहाँ मर्जी ले जाए आप चलाइए जी चलाइए। तुम आ गए हम यहाँ रुक क्यों गए? यहाँ से पैदल जाना है। मेरे पति यही फार्म हाउस में रहते हैं। I want to pick him up. पति? Good. Married women are safe. जा, जाके तू भी मिल ले उनके हस्बैंड से। आप क्या कूद रहा है? अबे, ओए मजनू और देवदास की औलाद, वो गई? क्या गई है? हंसके वाली चाल। अबे जो चली गई है उसे छोड़ जो छोड़ गई है उसे चला। मतलब ये ओहो चाबी गाड़ी वाह। अरे वैसे एक बात बताऊं मेरे टाइप की वो थी भी नहीं। हाँ इतनी देर से जान ही तो छुड़ा रहा था ना तू। चलो ड्राइवर बॉम्बे चलते हैं। जी मैम साहब। लेफ्ट मेरा गाड़ी तो ऑर्डर मिल रहा। अरे बाजा भी है जी। ये रेडियो का स्विच है कि सायरन का? सायरन की माँ का। पीछे देख ससुराल वाले आ रहे हैं। अब क्या करें? गाड़ी तो अभी अभी चुराई है। इतनी जल्दी पुलिस पहुंच गई? ये पुलिस बहुत फुर्तीली हो गई है। हमें रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं जी नहीं इसी को तो कहते हैं ना बाल मुंडाते ही ओले गिरे।
हेलो कहना, हेलो 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 जी। गाड़ी आपकी है ये? ये गाड़ी तो मेरी माँ की है, लेकिन इसकी इंस्टॉलमेंट मेरी नानी भरती है। व्हाट? वो राणा साहब। सर, इनका मतलब ये है कि ये फैमिली कार है। फैमिली कार? लेकिन हुआ क्या सर, हम तो गाड़ी स्पीड से नहीं चला रहे थे और पी भी नहीं रहे थे, मुझे तो दारू के नाम से ही नफरत है। नंबर प्लेट भी फर्क है। एक्चुअली जेंटलमैन, हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि इसी मॉडल की एक गाड़ी एक लड़की हाईवे से लेकर जा रही है। उस गाड़ी में स्मगलिंग का माल है। हाँ, लड़की तो थी ना गाड़ी में, क्यों राणा साहब? क्या इसका मतलब है सर, कि ऐसी ही गाड़ी में वही वही उस लड़की ने इतनी तेजी से ओवरटेक किया कि हमें लगा हम खड़ी गाड़ी में बैठे हैं। उस तरफ गई है सर। ठीक है, चलो जी, जल्दी चलो। जी साहब। अरे राणा साहब, लड़की को पकड़वाते तो माल बरामद होता, माल बरामद होता तो इन्फॉर्मर वाला इनाम तो मिलता कम से कम। ओए टकन, ये देख, ये देख, ये क्या है? वे? नकली नंबर प्लेट। ये कार भी वही है, वो लड़की भी वही है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। तो मैं क्या फारसी में बात कर रहा था? मैं भी तो यही कह रहा था, चलो पुलिस को बुलाते हैं। अरे जब अकल बंट रही थी तब तुम क्या दारू के ठेके पे बैठे थे? राणा साहब, राणा साहब क्या है यार, पुलिस को क्या बताएगा कि गाड़ी हमने चुराई है, माल गाड़ी के अंदर है। तो माल गाड़ी के अंदर है तो ओ ओ अरे यार, ओए तू भी टक्कर, मैं भी टक्कर, रो गाड़ी इधर। हाँ कोई नहीं है यहाँ, चल भी चल खोल। हाँ जी आओ। बड़ी गर्मी आ रही है डिक्की से जी महाराज। लगता है बहुत ज्यादा माल है, क्या होगा इसमें आपको लगता है? देखो जी, इसमें हीरे जवाहरात फॉरेन करेंसी कुछ भी हो सकता है। वेरी गुड, मतलब आपकी भविष्यवाणी सत्य होने वाली है, मतलब इसके बाद हमारा फुल फाइनल हो जाएगा और फिर हम दोनों रिटायर्ड। जो होगा आधा आधा बांट लेंगे और उसके बाद शहर छोड़ देंगे। ठीक है, आप पंजाब चले जाना खेती बाड़ी करने, लेकिन मैं बैंकॉक जाऊंगा जी, मसाज पार्लर खोलूंगा, 15-20 लड़कियों को रखूंगा, लेकिन मसाज मैं करूंगा जी। ओए सॉरी, चेक चिल्ली के जमाई। ओए दाल बाद में चखना, पहले पतीली का ढक्कन तो खोल। ठीक है, ठीक है। ये कौन लेटा हुआ है इधर? ओए उठो जी। ओए राणा साहब, ये उस ठसके वाली का हस्बैंड है, छुप के लेटा हुआ डिक्की में। ओ भाई साहब, भाई साहब वो गई, उठो। उठो जी, उठो जी भाई साहब। ओए ये तो बाल निकला है इसकी। ओ ये बाल नहीं, विग है। विग? हाँ। साले टकले विग क्यों पहनते? क्योंकि उनके बाल नहीं होते यार, बाल नहीं होते। ले जी चाबी है, ये विग चाबी से लगाते हैं। ओ चाबी ये उसके घर की होगी, मतलब वो ठसके वाली बेचारी घर के बाहर वेट कर रही होगी। तो जा तू भाग के दे के आ उसको चाबी। ओके ओके, वेरी गुड। भाई साहब ये आपकी बीवी के साथ शैतानी। ओए क्या हुआ, माल मिला? ओए माल को मार गोली, बंदा निकल गया, बॉडी छोड़ गया, ये तो लाश है। ये मुर्दों की स्मगलिंग के लिए भी पैसे मिलते हैं? मिलता होगा, बड़ा आया, बोल रहा था आधा आधा बांट लेंगे, अब क्या बांटेंगे घंटा? राजा ये गंजे की हालत तो देख, इतनी धुलाई हुई है कि कपड़े साफ नहीं हुए, लेकिन फट जरूर गए हैं। ये चाबी अपनी खोपड़ी से चिपका के घूम रहा था, इसका मतलब चाबी के ताले के पीछे बहुत माल है। इतना माल कि मर्द को मुर्दा होने में टाइम नहीं लगा। जहां जान की कोई कीमत नहीं होती ना भैया, वहां माल बहुत कीमती होता है। बंद कर। ब्रिलियंट, बढ़िया कारीगरी। पार्टी डिस्ट्रेस में है इसलिए तो 2 करोड़ में बेच रहे हैं, वरना वरना क्या? आपको इसमें कमीशन मिल रहा है कि हिस्सा? जी, कलर कट, क्लैरिटी और कैरेट, ये 4 डिसाइड करते हैं हीरे की कीमत, और इंसानों की तरह हर हीरे की फितरत अलग होती है। यानी क्रायोजेनिक प्लास्टिक से बने हुए हैं। व्हाट? 1500 से ज्यादा कीमत नहीं है एक की। क्या कह रहे हैं आप? परफेक्टली फेक। ये देखिए, हीरो में जुड़वा नहीं हुआ करते, ये तो 4 है। सुल्तान वो सर, आज के बाद इस मार्केट या इस शहर में तुमसे कोई डील नहीं करेगा।
गुड बाय सुल्तान। थैंक यू, दिस इज फॉर यू। क्या पुरी साहब, 2 करोड़ बचाने का 50,000 रुपया? हुनर की कीमत धीरे धीरे बढ़ती है, डोंट वरी, योर टाइम विल कम। Keep the change. Thank you. आपके लिए टैक्सी लाऊं सर? रहने दो सरदार जी, आज सफर करने का नहीं, सवारी करने का मूड है। दिल्ली वाले कुतुब मीनार और मुंबई वाले विक्टोरिया पे कभी चढ़ के नहीं देखे, चीज अपनी है ना, टूरिस्ट देखेंगे हैं? क्या बात है। अरे तुम बहुत किस्मत वाले हो जो विक्टोरिया पे ऐश करने के पैसे मिलते हैं तुम्हें, समझ रहे हो हैं? अरे रुको रुको रुको, अरे रोक ना यार। पुलिस वालों से क्यों पंगा लेना है ना? ए भाई 50 रुपए और ले लेना, हाना तो बोल दे। ओ बहरे हो क्या? बहरे हो तो फिर ये Jesus Christ। मेरा कैब दीजिए। आदमी के भेस में विक्टोरिया चलाना कोई बड़ी मजबूरी है क्या? पुलिस वालों को देखकर गाड़ी रुकाना कोई बहुत बड़ी मजबूरी है क्या? ओ हाजिर जवाब। इंटरेस्टिंग स्टोरी लगती है आपकी, एक एक कप कॉफी पे सुने? आपका राउंड खत्म हो गया है, गुड बाय माय कैब। मैं तो सिर्फ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था। अकेली लड़की को देखकर दर्जनों के हिसाब से बढ़ते हैं ऐसे हाथ। अब आप उतरते हैं या ले चलूं पुलिस के पास? चलो आज ना सही, लेकिन आपके ऊपर एक कप कॉफी उधार रहे। चल चल। अरे ओ विक्टोरिया 203, अरे भाड़ा तो लेती जाओ। ये चाबी वाला है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। लो चाबी अंकित दादी, मैं उठाता हूँ भाई। प्यार से बात करना, प्यार की चीज़ें। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते। ये लो भाई। भैया डुप्लीकेट चाबी का लगेगा 50 रुपया, अर्जेंट चाहिए तो लगेगा 70 रुपया, फिक्स रेट है। अरे भाई हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि ये कौन से ताले की चाबी है। लोकल बात भैया, हम चाबी बनाते हैं, चाबी की फैमिली की हिस्ट्री नहीं रखते। अरे यार हिस्ट्री मत बताओ, 70 की जगह 100 रुपया ले लो, लेकिन ये तो बताओ कि इसका पता क्या है प्लीज। अरे हमने ये तो सुना है कि डॉक्टर के पास लंगड़े को ले जाते हैं और बोलते हैं कि डॉक्टर साहब लंगड़ा है इसकी टांग लगा दो। कभी आते ये सुना है कि डॉक्टर साहब टांग ले आए इसमें आदमी लगा दो? भैया इफ यू डोंट माइंड, मन ने तो लगे, आप माइंड से ना बिछा रहे हो। इसको कैसे पता? ओके थैंक यू, भैया। ना जा। डार्लिंग। राजा डार्लिंग। शट अप। लड़की गई, बोतल का ये लटकी है, ग्लूकोज की है। ओए टक्कन, हम किस काम के लिए निकले हैं, तू किधर को निकल पड़ता है, होश की दवा कर। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इस बिस्तर के मरीज पर दवा का कोई असर नहीं होता। ये वार्ड नंबर 8 है, यानी कब्रिस्तान जाने का डायरेक्ट रूट। ये यमदूत है, शक्ल से तो नहीं लगता। ओए, क्या दुश्मनी है मेरे दोस्त से? कोई नहीं, बस रिश्ते आ रही है इस कमरे से। आज 17 तारीख है,
7 बजे यानी कि 8, और ठीक 8 तारीख को एक मैडम यहाँ पे आके लेटी थी चाकू खा के, और वो ठीक 8 बजे रवाना भी हो गई। इस बेड पे मरी थी? बेड़ा गर्क, ये मुर्दे की चाबी हमें अस्पताल तक ले आई और अब शमशान जाने की बात हो रही है। मैं कहता हूँ ये चाबी फिर वापस आ गई। 8 नंबर कमरे में 8 नंबर लॉकर की चाबी लेकर घूम रहे हो, दोनों गए काम से। लॉकर कौन सा लॉकर? वो मैं नहीं बताऊंगा, मैडम ने मना किया है। ओए, तेरा चाचा भी बताएगा। राजा टूट, इस बेड पे किसी को तो मरना है, इसको लिटाते हैं। नहीं, 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 मुझे कुछ मत करो प्लीज। वो मैडम ने मुझे कुछ जगह कहा इसे मैं वीटी स्टेशन के लॉकर नंबर 8 में आकर रख दूं, और मैंने रख दिया। और ये चाबी ना मैं नहीं बताऊंगा, वो मना किया है, चुड़ैल बनकर डराएगी मुझे। जो उसने दिया वो तूने वीटी स्टेशन के लॉकर नंबर 8 में रख दिया? जी ठीक है जा, और सुन, मैं 5 खून कर चुका हूँ, अगर तूने मुंह खोला तो तेरा 7वां खून होगा। 7वां? हाँ, 2 बार होगा, एक बार मैं करूंगा, एक बार ये करेगा। ओ यस। नहीं बताऊंगा, किसी को बताऊंगा। राजा, जिस रात 100 करोड़ के हीरो की चोरी हुई थी उसी रात वो लड़की चाकू खाकर यहाँ जमा हुई थी। इसका मतलब जरूर उस लॉकर में कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से जान दी भी जा सकती है और जान ली भी जा सकती है। राजा हीरे। ओ हीरे, तू ऐसे कैसे जाएगा? इस ग्लूकोज की वजह से मेरे शरीर में कमजोरी आ गई, लेकिन तेरी दाहिने पॉकेट में जरूर कोई ऐसी चीज है जिसको पीने से मैं ठीक हो सकता हूँ। ओ टकन, ये ले मार। टकन गोल, ये ले टकन गोल, ये खोला पी। हट जा मेरे रास्ते से ठाकुर। करोड़ उधर नहीं राणा साहब, इधर है, इधर है। हाँ, एक बात बताइए राणा साहब, ये 100 करोड़ हीरों का वजन कितना होता है? और तू चुप कर, हीरे किलो के पाव से नहीं होते, कैरेट के हिसाब से होते हैं। यार बात बात पे लेक्चर क्यों देना शुरू कर देते हैं? खोलो। जय बजरंगबली। खोल लॉकर की नली। कोई नहीं, खोल। कैसे लग रहे हैं? यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। आंखें हैं कि बटन है, पीछे हटो यार। ये क्या है? काला अक्षर पैस बराबर। ये क्या है? तेरा भी काला अक्षर भैंस बराबर। अरे ये देख ना, इस पे कुछ लिखा है। क्या? तारा बना और विक्टोरिया 203। क्या मतलब? सब बकवास है यार, ये सब दिख रहा है। विक्टोरिया। ओए, ये बकवास नहीं, नक्शा है, नक्शा। ये देख। अच्छा। ये तारा हीरे हैं और विक्टोरिया 203। ऐसी ही विक्टोरिया 203 में हीरे हैं। क्या बात कर रहा है यार? बिजली। अरे ये तो गैराज है। ओए रुकना, ये देख विक्टोरिया 203 का रजिस्टर्ड एड्रेस तो यही है, रमननाथ कैलाश मोहल्ला 3 नंबर बद्री धाम। ये एड्रेस है या तीर्थ यात्रा का नक्शा? ए रुक, घोड़े की घास। इसका मतलब जानता है क्या? इसका मतलब घोड़ा भी आसपास है। तो घोड़ा आसपास है, विक्टोरिया भी आसपास होगी। तो ढूंढना। ये देख, घोड़ा विक्टोरिया पास। ओ हीरो वाली विक्टोरिया। किए किराए पर पानी फिरवाएगा क्या? क्यों? पहले देख तो ले घर में कौन कौन है। ओ, घर भी है। हरि ओम शिव। अरे क्या हुआ? अरे लड़की कपड़े बदल रही है यार। हमेशा अच्छी खबर बिगड़ी हुई शक्ल बनाकर क्यों सुनाता है? बैक इज ब्यूटीफुल यार। कार में कोई और तो नहीं है? और कोई नहीं है, मैं इसको संभालता हूँ, आप तब तक विक्टोरिया से हीरे निकाल कर लाओ। चलो टक्कर, हीरे क्या वहाँ तश्तरी में पिरोस कर रखे हुए हैं?
इतनी बड़ी विक्टोरिया ढूंढने में टाइम तो लगेगा। तो क्या ये काम रात को करते हैं? रात तक क्या करेंगे यहाँ पर? कौन है आप लोग? कौन है आप लोग? आप हैं? नमस्ते। नमस्ते, मैं राजा, ये राणा। क्या देख रहे हैं आपको? जी आपका कार देख रहे थे, बहुत अच्छा है। अच्छा तो आप ये बोर्ड देख कर आए हैं? हाँ वही टॉयलेट। टॉयलेट? टॉयलेट नहीं जाना, टूलेट। टूलेट का मतलब? वो किराए पे खाली है मकान। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा आइए आइए, मैं मुझे बुला रही है, तुम रुको मैं आ रहा हूँ जी। ड्राइवर वेट करो। सो ये कमरा है, बाथरूम बाहर है। अरे हमारे पिछले घर में भी बाथरूम बाहर था, बहुत दूर। ओह अच्छा, कहाँ रहते थे आप लोग? जी दरअसल हम सरकारी क्वार्टर में थे, लेकिन सरकार ने वक्त से पहले खाली करवा लिया। अच्छा तो सरकारी नौकरी करते हैं? नहीं नहीं, बस यूँ समझ लीजिए कि बहुत सारी सरकारी नौकरियाँ जो थी हम पर डिपेंड करती थी। देखिए हमें आपका कार बहुत पसंद है, आप समझ लीजिए कि हम आज से शिफ्ट हो गए। अच्छा तो दरअसल वो किराया? हाँ बोलिए। किराया? किराया तो ये ले लीजिए ना, एडवांस रख लीजिए। नहीं कल क्या देना, आज ही दे देंगे, आज भी रह सकते हैं, आज से ही रहना शुरू कर देंगे। आप रख लीजिए एडवांस जी, बिल्कुल। जी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सीमा, सीमा, मैं इधर आ रहा हूँ। बिना किराया तय किए हुए इतना एडवांस क्यों दे दिया उसे? यार तुमने देखा नहीं बेचारी कितनी तकलीफ में थी यार। अबे तकलीफ में तो हम आ जाएंगे तुम्हारी इन हरकतों की वजह से। एक रात की तो बात थी, कल सुबह तक डाल देते, फिर किसने देखा है? यार तेरे दिल में दया का और प्यार का जज्बा है कि नहीं? अबे मेरे हिस्से का भी तो तू ही बांटता फिर रहा है ना। चल रात को जागना है, अभी सो ले साला कठोर निर्दयी। एक्सक्यूज मी सर, वो विक्टोरिया ड्राइवर रमन के केस में कोई प्रोग्रेस? तुम कौन? अभी तक हमारे साहब ने इस केस के प्रोग्रेस के बारे में नहीं पूछा। जी मैं उनकी बेटी। हाँ उस औरत का आइडेंटिफिकेशन होके पता मिल गया है, लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मर्डर तो मर्डर है। ओ बर्वे, वड़ा पाव बनाने में इतना टाइम लगता है क्या? मंगल दर्शन प्लाट पे। रंजीत ने बड़े काम का मौका दिया है मुझे, और पैसा भी अच्छा है, मगर न जाने क्यों रंजीत पर भरोसा नहीं होता। वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है। अब अगर आप इतनी रात को अपनी विक्टोरिया को छोड़ के इधर उधर जाएंगी तो कोई तो चाहिए ना रखवाली करने के लिए। सो बंदा हाजिर है? देखो मिस्टर, फालतू गले मत पड़ो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लेना है मैम, कल की सवारी के पैसे, आज की सवारी के पैसे। ये तुम्हें ये गलतफहमी कैसे हो गई कि तुम फिर से मेरी विक्टोरिया में सवारी कर सकते हो? क्यों? गेट ऑफ बदतमीज। दे दी ना औरत के अंदाज में गाली, गुड आई लाइक दैट। शट अप। ओके लेकिन एक शर्त पर, अगर आप ये तोहफा कबूल कर लें। क्या ये? हाँ? लंगड़े घोड़े की नाल है, आप भी अजीब बात करती हैं। आपके खूबसूरत गले के लिए एक नेकलेस है। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज
अरे घबराइए मत, प्योर नकली है और चोरी का भी नहीं है। अच्छा? हाँ, लेकिन अभी पता चल जाएगा पुलिस स्टेशन में। अरे पुलिस स्टेशन? अरे मैडम नकली है लेकिन आपकी विक्टोरिया से ज्यादा महंगा है। अरे चल, अरे चल, अरे रेस में भगा रही है क्या हैं? ओ मेमसाहब धीरे चलो। अरे ए, अरे माफ कर दो मेमसाहब। बस बस हेलो मत बोलना। एक बात समझ में नहीं आती, ये लड़का बनकर बाहर क्यों जाती है? तू अपनी छोटी सी समझदारी पे ज्यादा जोर मत डाल। अब उसको अगर फैंसी ड्रेस का शौक है तो तुझे क्या लेना देना, सीधे मुद्दे पे आ। तू डांटता क्यों हर बात पे यार? डांट नहीं रहा हूँ। मेरी मदद कर, मुझे लगता है इस व्हील में है। आ रहा हूं ना, जल्दी आ। डोंट ऑर्डर मी राणा साहब। अरे हीरो के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। बाद में बैंकॉक भी तू ही जाएगा मसाज करवाने। में नहीं है तो फिर कहां है? हर महीने हमको कोई ना कोई अप्रैल फूल बनाता है और हम भी ऐसे बेवकूफ के साले बनते चले जाते हैं। मेरा मतलब है कि हीरे विक्टोरिया में नहीं है, चोरी के हीरे किसी ने चुरा लिए। किसने? राजा साहब। हाँ राजा साहब। आइए, ये कौन है? अरे ये तो वही है तुम्हारी फैंसी ड्रेस। इसका कमाल है, जब देखो कपड़े बदलती रहती है। अरे उसको छोड़, ये सोच कि वो इतनी रात को जा कहाँ रही है। हो सकता है अपने यार से मिलने जा रही हो और हीरे इसी ने छुपा के रखे हुए हों अपने यार के पास। राणा साहब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? फॉलो हर। चलो। चलो नहीं, फॉलो। हाँ फॉलो।
Nice. Gorgeous. I'm Rajiv. Nice meeting you. तुम जैसे खूबसूरत लड़की को अकेले छोड़ने की गलती किसने की? ये गलती का मौका मैं किसी और को नहीं देती। It's my call. Beauty with brains. Impressive. Cheers. ज़्यादा मत मटे, काम पे ध्यान दे, उम्र का ख्याल रख। तुम्हें नहीं लगता हमने कुछ ज्यादा ही कपड़े पहने हुए? अरे यार तू लड़कियां छोड़, लड़कियों के कपड़े छोड़, दारू छोड़, सिर्फ 100 करोड़ के हीरे याद रख। हम हीरों के पीछे हैं, लड़कियों के पीछे नहीं। वो तो है लेकिन उधर देख। किधर? हम ऑलरेडी कतार में हैं। पहले तो आपको यहाँ पर कभी नहीं देखा मैंने। It's my first time. Nice to see you. New face around. समझ नहीं आता सारा ने इसमें क्या देखा? अरे वो हीरो का खरीदार हो सकता है। तू सिर्फ हीरे देख, हीरे, हीरो पे कॉन्सेंट्रेट कर। ओके ओके ओके। हंसा तो सारी रात में कर सकता हूँ, लेकिन सवाल ये है कि योर प्लेस और माइन। मेरा घर जरा दूर है, सो इवन बेटर। वो देख गाड़ी स्टेशन से जा रही है। अबर अहमद गाड़ी के गार्ड हम ही हैं। या बेबी इधर देख, वो जा रहे हैं। ऐसे हाथ मत रख मेरे ऊपर, लोग क्या सोचेंगे? क्या? मेरी ठसके वाली। अबे तू ठसके वाली को छोड़, हीरो वाली के पीछे चल। वो हीरे वाली गई। अबे हीरे वाली गई, चल। अरे रुक तो सही। ए बेबी, उसकी औकात पहचान लेता हूं। पुलिस वाली तो नहीं लगती। कौन हो तुम? डोरा की मौत की सजा मेरे बेकसूर बाप को मिलने वाली है और मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम मेरे करीब आ जाओ तो जो ना क्या गुना है वो भी मैं अपने सर ले लूंगा। देखा कैच? अरे सिर्फ कैच नहीं, अब तो मुझे चलानी भी आती है और हाथ भी नहीं कांपता। चला के दिखाऊं? इसे जाने मत देना, इसकी वजह से पापा जेल में है। इसकी गवाही से पापा छूट सकते हैं। ओए चल भाई, चल जेल चलते हैं। ओए घबराने की कोई बात नहीं, वहाँ हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, पहचान वाले हैं। चल चल, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना वरना क्या? वरना यमराज के आम कमीशन पे काम करते हैं। हाँ आजा आजा, कुछ नहीं, उधर बहुत तक उदाना मिलेगा तेरे खावे।
सब ठीक है, लेकिन इतना बड़ा खतरा मोल लेने की क्या जरूरत थी? और क्या करती मैं? पुलिस ने पापा को कातिल मान लिया, कोर्ट को सबूत चाहिए और लहर को पैसे। मेरे पास कुछ नहीं है, कोई नहीं है मेरे पास। लेकिन तुम्हारी ये छोटी बहन सीमा, ये भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो इसका क्या होता? आज के बाद ऐसा कभी मत करना। हम हैं ना, हम यही हैं तुम्हारे साथ। जितनी आंच तुम तक पहुंचनी थी पहुंच चुकी, अब झुलसना पड़े या झुलसाना ये हमारी जिम्मेदारी है। बस कुछ मत कहना बेटी। चलो। कौन है भाई साहब आप लोग? चलो बैठो। अरे कहां ले जा रहे मुझे? डायमंड के गैर कानूनी धंधे में काफी जल्दी जगह कमा ली है तुमने अपनी, और अंडरवर्ल्ड में भी शोहरत फैलने लगी है तुम्हारी। गीतांजलि डायमंड्स की कोई खबर है तुम्हारे पास? वो अभी तक मार्केट में नहीं आए। जेंटलमैन, गीतांजलि डायमंड के चोरी के बाद उनकी तलाश के लिए हमने एक स्पेशल अंडरकवर ऑपरेशन शुरू किया है। मीट एसीपी जिमी जोसेफ, स्पेशल ब्रांच। Gentlemen, give him all the information, all the cooperation that he needs. ये है रंजीत। एक पुलिस इन्फॉर्मर के हिसाब से ये हीरो वाली चोरी में इन्वॉल्व था, लेकिन कुछ ठोस पता लगने से पहले ही इसे किसी ने मार दिया। रंजीत के घर से मिली इस तस्वीर में टोरा नाम की एक लड़की है। टोरा का पिछला पुराना पुलिस रिकॉर्ड है, और चोरी वाली रात को ही उसे भी चाकू से मार दिया गया। पुलिस कंप्यूटर ने आइडेंटिफाई किया कि टोरा को मारने वाले चाकू पर रंजीत की उंगलियों के भी निशान थे। इत्तेफाक पे इत्तेफाक, इम्पॉसिबल। ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं। टोरा के मर्डर के लिए तो किसी और को अरेस्ट किया गया ना? रमन नाम का विक्टोरिया चलाने वाला है, विक्टोरिया नंबर 203। क्या कहा आपने? यू हर्ड मी राइट, विक्टोरिया ड्राइवर है, विक्टोरिया नंबर 203। इत्तेफाक पे इत्तेफाक, पे इत्तेफाक। Maybe this is possible. Thank you for calling, sir. Have a great day. Sara Raman, please. Yeah, there she is. जी, एक सीनियर ऑफिसर आपसे मिलना चाहते हैं। उनके ख्याल में आपके फादर बेकसूर हैं। जी, कौन है वो? जिमी जोसेफ शुड बी हियर शॉर्टली। तुम सर, ये आदमी मुझे परेशान कर रहा है। आपको एसीपी से बात करके इसे अरेस्ट करवाइए। रिलैक्स रिलैक्स सारा, यही तो है एसपी जिमी जोसेफ। एसीपी जिमी जोसेफ? ओह गॉड, आई एम सो सॉरी, माफ कीजिए, लेकिन आपने भी ना गलत इंप्रेशन दिया। वो पुलिस नाका से भागना वगैरह, आई एम सॉरी। क्या अब हम साथ बैठ के कॉफी पी सकते हैं? क्या इस केस में कुछ ऐसा मिला जिससे बाबा की बेगुनाही साबित? तुम्हारे बाबा बेकसूर हैं, लेकिन तुम मैं क्या? इसका जवाब तुम्हारी आंखों में है। सवाल के बढ़िया रखो।
सर, लाश की जेब से लाइसेंस मिला है। मरने वाले का नाम करण नाथ है। सर, रंजीत के घर मिली तस्वीर वाला लड़का है ये, जिसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही थी। बस सर पे विग नहीं है। सुनो, इस गाड़ी का चारों तरफ से बैरिकेड्स लगाओ और फॉरेंसिक टीम को यहाँ बुला लो। एंड मेक श्योर ये इन्फॉर्मेशन प्रेस को रोड का से बंद करो। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फोरेंसिक से पता लगाओ कि ये बटन कहां बनता है और बिकता है। राइट सर। राणा साहब, मैंने कितनी बार कहा था कि सारा की जगह हमें उस ठसके वाली के पीछे भागना चाहिए, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तीन दिन से भटक रहे, मिला क्या घंटा? देख, अब उन दोनों बच्चों की जिम्मेदारी हमारे सर पर है, चाहे उसके लिए हमें कितना भी भटकना पड़े भटकेंगे। अच्छा। वो देख, शैतान को याद किया, शैतान हाजिर है, लौटी निकली, चल चल आजा। बेटी, दो दिन से कहाँ हो? तुम्हारी माँ रो रो कर परेशान हो गई। तो नहीं हो गया? पागल, बाप को पागल बोल रही हूँ, बाप को पागल बोल रही हूँ। आईसीयू में है। बच्चों को चलो पहले गाड़ी में। ऐसे छोटे मोटे झगड़े हर घर में होते हैं, हर छोड़ के थोड़ा जाते हैं। चलो भैया गाड़ी चलाओ। बेटा जहाँ जाओगी माँ तुम्हारी शादी कर। आइए आइए आइए, तशरीफ लाइए, शाबाश, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। स्टॉप दिस। ओए आराम से आराम से, तबेली की भैंस नहीं है, खूबसूरत है, नाजुक है। तू चुप रह, तू ही पूछ रहा था ना कहाँ तक ले जाएंगी आप। ये देख कहाँ तक ले आई, ये बदलेगा। जब से इससे मिले हैं चारों तरफ लाशें ऐसे गिर रही हैं जैसे खंडर में कबूतरों की बीट। अरे तो फिर क्यों चुराई गाड़ी? हाँ, पुलिस को दौड़ाया इधर, गंजे की लाश को छोड़ दिया उधर, और फिर चाबी लेकर भिखारियों की तरह गाना भी गवाया। ओए मैं तो हीरे ढूंढ रहा था, लेकिन तू तो लड़कियों के पीछे फिसल फिसल कर अस्पताल पहुंच रहा था। एहसान मान मेरा, एहसान मान मेरा कि मैं अस्पताल पहुंचा, 8 नंबर के लॉकर का पता चला, हीरे विक्टोरिया 203 में ये पता चला, सब कुछ तो मैं कर रहा था। और तू क्या कर रहा था? लंबा कोट पहनकर हीरो बना घूम रहा था। ओए टक्कन, हम एक दूसरे की कुंडलियां क्यों खोल रहे हैं, जबकि पूछना तो हमें शैतान की नानी से है। ओ या? अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो करण टोरा रंजीत की तरह मुझे भी मार दिया जाएगा, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। ओए तुमको क्या लगता है हम कोई बिलासपुर से आए हैं? है? अगर हम अपनी आई पर आ गए ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें कुछ भी बताने के बाद मुझे ये देश छोड़ना होगा। तुम लोग मुझे 5 करोड़ रुपए दिला दो, मैं तुम्हें सब कुछ बता के यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। 5 करोड़ अभी लाता हूँ छाप के। 500 के चलेंगे कि 1000 के चाहिए? मिल जाएंगे 5 करोड़। ये पागल हो गया क्या? राणा साहब, आपको मुझ पर भरोसा है कि नहीं? नहीं है, है? तो फिर आइए मेरे साथ, हिलना डुलना नहीं, मैं 5 करोड़ लेकर आता हूँ। राणा साहब सारा के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। आइए आइए। ओह नाइस, दीज आर बेल्जियम टाइल्स। राणा साहब, डू यू सी व्हाट आई सी, द मैन विद द डायमंड? हीरे ऐसे हिला रहा जैसे बचपन में हम गोटियां हिलाया करते थे। तो क्या तू इससे मांगेगा 5 करोड़ रुपए? क्या हर्ज, किसी डायमंड मर्चेंट की बिगड़ी हुई औलाद लगता है, और फिर बाप इसका हो या हमारा, बस करोड़पति होना चाहिए। मतलब? क्या हो रहा है? रईस की औलाद, अपने बाप को बोल जल्दी से 5 करोड़ ढीला कर, वरना गोली चला दूंगा। तो आप लोग मेरे बाप से 5 करोड़ रैंसम मांग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, हम तो दहेज में हिस्सा मांग रहे हैं। ओए टकन, इसको ठीक से समझा, सीधी बात इसके समझ में नहीं आती। ओए समझता यार, 265 77। बोल 265 77 77
100 और 022 लगाया। जावेरी बाजार पुलिस स्टेशन। डायमंड मर्चेंट का बेटा है, जावेरी बाजार से जिग्नेश बात कर। हाँ बापू, जोसेफ बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ 5 करोड़ रुपए लेके मड फोर्ट पे पहुंच जाओ। नहीं कुछ नहीं, मुझे किडनैप कर लिया। क्या? जल्दी आ जाना वरना ये लोग, वरना इसके 1001 करोड़ टुकड़े करके मछलियों को खिला देंगे। चील कौओं पर हमारा विश्वास नहीं है। और याद रखना, अगर तुमने पुलिस को इन्फॉर्म करने की कोशिश की तो अगला नंबर तुम्हारा होगा। तुम्हारा फोन नंबर मेरे पास है। अरे क्या है जी, कि हम तो आदमी सूंघ कर बता देते हैं कि ये असामी 5 करोड़ की है, 7 करोड़ की है, 10 की है, कि 150 रुपए की है। मत कर, तेरी औकात सिर्फ 5 करोड़ की है जी। हमने सोचा कि हम पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने वाले हैं किडनैपिंग की, वो क्या कहते हैं कॉर्पोरेट। जिग्नेश आवाज आ रही है, शेयर खरीदने हमारी कंपनी में? लगता 3-4 सूटकेस लेके भाग के आ रहा है। जी राणा साहब, लगता बाप आ गया है। इसकी वर्दी में क्यों आया है? पुलिस ही है, ससुराल वाले। अरे जिग्नेश भाई, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है। ओए टक्कर, हमको गलत फहमी हुई है। हमको? हाँ, पैर पकड़। मेरे नहीं टक्कर, उनके। इनके? चलिए किडनैपिंग कंपनी तो खुलने से पहले ही बंद हो गई, लेकिन एक बटन मिला है। बटन दिखाइए। ये तो इसका है। अरे मेरा है, मिल गया, बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। इतने सालों बाद पुलिस में कितना बदलाव आया है। बटन जैसी चीज ढूंढ लेते हैं, वो भी बिना रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट लिखा है। ये बटन एक लाश के पास मिला है। लाश के पास? करण की लाश, जिसे शायद आप लोग गलती से दफनाना भूल गए थे। मैंने इसको बोला था सर। कब बोला था? कमाल की बात है ना, करण की लाश के पास बटन, वो भी इनका, और फिर रंजीत के घर में उंगलियों के निशान आप लोगों के। लगता है किडनैपिंग की बजाय मर्डर की पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोलने का इरादा है आप लोगों का। सर चोरी की कसम सर, हमने आज तक कत्ल के बारे में सोचा तक नहीं सर। बिल्कुल नहीं सर। बापू की कसम खाएंगे? हाँ बापू की कसम खाएंगे। खाएंगे? बापू, बापू जिंदा है? मुझे तो पता नहीं, मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ था। ये बापू है, इसका डंडा चलने से ज्यादा चलाने के काम आता है। एक पड़ेगा तो दर्द कहाँ खत्म होता है और जिस्म कहाँ शुरू होता है सब भूल जाओगे। वो क्या है जी, के कहानी बहुत लंबी है, और बापू के रहते हमारी जबान लड़खड़ाएगी। बापू जी की जय। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। ये देखिए, यहीं तो थी, कहाँ गायब हो गई? मुझे क्या देख रहा, बांध तो तू ही रहा था। तूने कहा था टीला बांध, नाला बोला था। शट अप, बाकी का ड्रामा जेल में। जेल में? देखिए अगर आपको जेल भेजनी है तो ठीक है, लेकिन हमें थाना जेल मत भेजिएगा। वहाँ का जेलर बहुत जल्लाद है। तो वो तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हाँ अच्छा, वो अच्छा, वो उसी जेलर की वजह से तुम्हारी सजा सस्पेंड हुई थी ना, उसकी गलती है, वही भुगतेगा। नहीं बेटा देखो, हम बापू पढ़ते हैं। इन लोगों को नहला के थाने जेल भिजवा दो। नहला धुलाई वही हो जाएगी। जो तोहफा रंजीत और शैती तुम्हें नहीं दे सके वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। हीरे विक्टोरिया नंबर 203 में है। सारा
क्या हुआ बच्चे? वो दीदी को ले गए। कौन ले गए? वो तो मुझे जोर से धक्का मारा, घर में कुछ ढूंढ रहे थे, फिर वो विक्टोरिया को भी ले गए। मुझे दीदी के पास जाना है। हाँ मैं ले चलूंगा तुमको दीदी, दीदी के पास जाना है। मैं लेके आता हूँ। मुझे दीदी के पास ले जाना। हीरे विक्टोरिया में नहीं है। देखो हीरे कहाँ नहीं है उसकी तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। हीरे कहाँ है? That's what I want to know. उन दोनों डफर्स में से एक ने 5 करोड़ का वादा बहुत आसानी से कर दिया था। उन्हें पता होगा कि हीरे विक्टोरिया में है, जाहिर है उन्होंने निकाल लिए होंगे। Beauty with brains. That's why I lust for you, my dear. इन हीरों ने हमें बहुत नचाया, अब इन्हें जल्दी से ढूंढ लाओ। मुझे बेवजह नाचना पसंद नहीं। चलो चलो अंदर। किडनैपिंग, वो भी एसीपी की। अरे इस जेल की नाक कटवा दी तुम दोनों ने। क्यों? वो डीसीपी साहब मर गए थे जी। हा? और वो कमिश्नर, अरे उस खड़ूस कमिश्नर को उठाते तो सारा पुलिस फोर्स तुम्हारे पीछे जान लड़ा देता। लेकिन नहीं, तुम लोग छोटा सोचोगे, छोटा। यही यही मरने आओगे तुम लोग। नेम प्लेट बना के लगा दो बाहर तुम दोनों की। ब्लडी नॉनसेंस। सर हमारी भाभी की तबीयत कैसी है? वो मर गई, नाम भी मत लेना उसका। ये विधवा हो गई क्या? राणा साहब जो साला आता मजाक बनाकर चला जाता है, इस जेल की सर्कस ने हमको जोकर बनाकर रख दिया है। 2 साल से धुला नहीं। व्हाट टू डू नाउ? क्या है बजरंग बली? एक बहुत अच्छी बात है हमारे देश में, जिस चीज को छेड़ना नहीं वहां भगवान रख दो। हनुमान जी नहीं सॉरी, एक ऑब्जर्वेशन है मेरी। हे बजरंग बली, अब हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चल। जय बजरंग बली, जय हनुमान, ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। लाइट रोज नामा लाइट। अरे अब लाइट की कोई जरूरत नहीं है, पहले से मिट्टी खुदी हुई है, बस थोड़ी सी निकालनी बाकी है। ओ है ना। विक्टोरिया के लैंप, हमने उनको खोल के अंदर से नहीं देखा। ओ तेरे की, मुझे लगता है वो हीरे उन लैंप्स के अंदर हैं। राणा साहब दारू की कसम, अगर आपकी बात सच निकली तो पूरे शहर को आज की रात मुफ्त दारू पिलाऊंगा। लेकिन देख तेरी मेहनत आज रंग लाएगी। सुरंग। जय बजरंग बली। तोड़ दुश्मन की नली। ए, रुकी रुकी। ओ, गाड़ी रुक गई। जा रहे हमारे लिए जगह होगी, चलो एडजस्ट हो जाएंगे। आओ जी आओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बस थोड़ा ही आगे जा रहे हैं भाई साहब। ओना डार्लिंग, कैसी हो बेटा? मुझे भी लगा खुशबू बड़ी जानी बेजानी सी है। शायद डिनर पर ले जा रही हैं आप हमें। गन गन नहीं, नो वी विल कीप क्वाइट। हम तो आप दोनों को जेल से छुड़ाने की पूरी तैयारी करके आए थे, लेकिन आपने हमें इस काबिल ही नहीं समझा। अब सवाल करने की पारी हमारी। देखा मैंने कहा था ना डिनर पे बुलाया है। Welcome to the last
है, ठीक से खाएंगे हैं? हाँ जी। सारा सारी बिना वक्त बर्बाद किए और बिना 20 क्वेश्चंस खेले सीधा साधा सवाल, हीरे कहाँ है? बीबी साहब, हमारी शक्ल देखकर आपको लगता है कि हमारे मुकद्दर में हीरो की हवा भी लिखी हुई है? मेरा ख्याल है जी मैडम आपका माल गायब करके अब बकरा ढूंढ रही है काटने के लिए। फिर वही पूछता, फिर वही क्रिकेट या गोल्फ, बहुत टाइम वेस्ट होता है, शॉर्टकट से चलते बहुत हुआ तो 3 मिनट, उससे ज्यादा इस बैग में सांसों की गुंजाइश नहीं। देखो मुझे खून खराबा बिल्कुल पसंद नहीं है, क्यों करवा रहे हो मुझसे ये सब? इस बच्ची को छोड़ दो। अरे इसे कुछ मालूम नहीं, इसको मार के क्या मिलेगा तुमको भाई? याददाश्त और जबान पे जोर डालो तो शायद फिर से सांसें वापस मिल जाए इसे। हीरे विक्टोरिया 203 में पुरानी खबर। आज के मुख्य समाचार, विक्टोरिया हमारे पास है और हीरे विक्टोरिया के पास नहीं, हमने उससे हर तरह से पूछकर देख लिया। समाचार समाप्त हुए। लैब से पूछा वो मर जाएगी। हमने पूरा विक्टोरिया उधेड़ कर देखा था लेकिन लैब नहीं देखे थे। इसको छोड़ दो, इस बच्ची को छोड़ दो। टेक अ डीप ब्रेथ, टेक अ डीप ब्रेथ। लैम्स हो, टच एंड गो, टच एंड गो। लैम्स खोल के तो हमने देखे ही नहीं। विक्टोरिया लाओ। हाँ लाओ, जल्दी लाओ विक्टोरिया। ये लीजिए सर। ये क्या है? सर हमने पूरी विक्टोरिया में ढूंढा, हमको हीरे नहीं मिले, इसलिए मैंने कबाड़ी वाले को भेज दिया सर। What? ये 5,000 रुपए आपकी कसम इतने मिले। अरे उल्लू के पट्टे गिफ्ट रैप करके मेरे ही आगे भेज दिए। आई वांट दैट ब्लडी विक्टोरिया। ये रोने की आवाज सुनाई दे रही है? ये गांधी जी की है, मतलब उनके चरखे की आवाज है। भारत का संविधान, अरे भाई उसकी पहली कॉपी बेच के तो हमारे दादाजी ने धंधा शुरू किया यार, और आज देखो हम किधर हैं। हाँ नहीं नहीं, पद्मश्री पद्म भूषण, अरे मैं तो बोलता हूँ 2-3 दिन ठहरो यार, भारत रत्न भी आ जाएगा। हेलो, बाद में फोन करेगा, कोई पार्टी आई लगता है, जुलूस लेकर आई है यार, साला कोई भरोसा नहीं, पहली पार्टी आज हाथ तोड़ के क्या, अभी पता नहीं क्या तोड़ देंगे। हेलो, वेलकम टू घनश्याम धनवानी इस माल भाई, दुनिया का सबसे पहला भंगार का माल है। इस छत के छत नहीं है ना, इसलिए माल किधर से भी आता है। यानी कि ग्रामाफोन से लेके सैटेलाइट फोन तक, बोइंग से लेके मिसाइल तक, मिसाल के तौर पे क्या पेश करूं भाई? विक्टोरिया। विक्टोरिया फर्नांडिस तो आज काम पर नहीं आए बेचारी। कॉमेडियन विक्टोरिया 203, मेरे कुछ गधे ये घोड़े की सवारी आपके यहाँ बेच गए थे। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, विक्टोरिया ने तुम्हारे पास फरारी है, मर्सिडीज है, पोस्ट बॉक्स है, चरखा है, टाइप राइटर है, ये टाइप राइटर तुम लेगा ना, इसके साथ में कंप्यूटर फ्री है। विक्टोरिया 203 नाउ। अरे भाई ये तो अटका हुआ है यार, भाई ऐसा है, माफी चाहता हूँ, वो तो बिक गया है। व्हाट? ये डायनामो इंटरनेशनल वाला है ना? डायनामाइट? नहीं टेररिस्ट नहीं, प्रोड्यूसर है, आखिर रद्दी तो फिल्म वालों के काम आती है ना। कहाँ ले गए? ये बांद्रा में महबूब स्टूडियो, उधर है क्या? उधर ही क्या होगा, नहीं तो क्या रेस कोर्स में थोड़ी जाएगा यार। गुड लक, साइन कर देता हूँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे, लीजिए। अरे क्या करता भाई, मेरा मोबाइल यार, ये बहुत काम की चीज है यार। अरे विक्टोरिया ने तो रोल्स रॉयस चले हैं क्या, जू में पड़ा हुआ है अच्छे कंडीशन में, बारात में भी यूज नहीं किया है भाई, खाली विक्टोरिया के पीछे कुत्ते की तरह पड़े हुए हैं। अरे विक्टोरिया विक्टोरिया क्या करता है उसमें, हीरे लगे हुए क्या, लक्के लाना थे छतम हुआ। ये क्या भाई, ये कैसा गुड लक यार, ACP जिमी, ये पुलिस वालों का नंबर कब से गुड लक बन गया है? चलो ट्राई करते हैं, हम कोई चोरी थोड़ी करता है यार। 9827023321। हेलो हेलो, ACP जिमी साहब बोल रहे हैं क्या? हाय
एला जूनियर आर्टिस्ट अंदर भेजो। अरे भाई साहब आप हीरे ले लो, हमको जाने दो। क्यों भाई? देखो सब लोग रेडी रहना, एकदम अलर्ट। करेक्ट है? हाँ। ए देखो ए जिधर ए फाइट एकदम है मचाला। ए जगा तेनू अतुआ ए तेनू कैसे लगी? हाँ ए थोड़ के गिरी। But only one bullet. Okay. Raka sir will come in, knife in the teeth. The bullet hits the knife. Two pieces. Half piece will kill one crook, half piece will kill other crook. Every. One bullet. One bullet. Killing one two people. Yes. It will look stupid, sir. Who is the director? Sir, you are the director. Then comedian ki tarah baat kyun karta hai? Theek hai, phado. Do ki jaye char gir jao. Maro sab. Move, you assholes. I want those diamonds. Hello, baby. Nanda, we are KK. Kangan Kasturi Raja Rajkumar, producer of this picture. I done number of movies. You looking rumba nalla iruke. Wild Wild Southwest. Picture name number one artist. Number one producer. You rumba alaga iruke. Padalam kuda pandre nee. I am number one producer in South. I got Raka Rowdy number one hero. Now what to do? We need two crooks. No problem. Hey, idara. I look more crooked. Hey, jaake. Enna banarde? ए ओ देखो दोनों दोनों ओ देख ओ लंबे कोट वाले शक्ल तो गुंडे लग दे इधर आओ ना तुसी इधर ए कॉल ये बड़ा इधर ये बड़ा 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 खिला रहा है खाओगे खिला नहीं रहा बेच रहा है शट अप हिल ला रे ये मर्दले ओ आओ ना यार जल्दी आओ ना ये बड़ा हिलना नहीं हिलने को मना किया है ए तड़िया बोला ये बड़ा यस सर रेने कूटी दे अभी बुलाता हूं ए ये बड़ा ए गन किधर है गन लेके आओ ना चलो चलो सब लोग चलो चलो मास्टर जी गन तो इधर है ये रास्कल तुम क्या करते रहे गन के साथ तुम दोनों चलो तुम दोनों चलो तुम बैठो उधर तुम बैठो उधर गन ओए तू बैठ अंदर शाती बार गुंडिया इतना लोगो हाँ पता ना की करना नहीं कुड़ी सामने बैठी है गन देना मैं एम करो और पंच तक गेंडा गोली मार दो इस गन से नहीं तो क्या तुमको AK-47 देंगे हम चलो एम करो चलो एक घोड़ी है घोड़ी कुड़ी फर्क नहीं नजर आऊंगा तुम चलो एक्टिंग कर दे यार कुड़ी तो एम करो चलो मैं यार मैं दसदा ए मैं एम किया समझे ना पंचा गोली छोड़ पड़ रहा चलो एम करो मैडम रेडी डरिए हां कैमरा अनेक्स योर्स 5 4 4 3 No, your gala is kharab, baby. Mama, I'm fed up. Please, let's pack up and go home. I want to get married and have baby. Baby! Vaithya murthirudha, enakke. I'm very anxious. Very anxious. I want a rehearsal. I want a duplicate. Duplicate? That guy. What do you think? In the pakon. Yaar idu idu? Amma? Amma? Romba alaga iruke amma? Inge va. मैं जाऊं मुझे विक्टोरिया पर बैठना तुम कहां जाओगे जी यू शुड टर्न माय लैप अमाओ अमा नहीं पोंगा डायरेक्टर को पड़ रहा है मैं अपनी कल की शूटिंग का इंतजाम करके आता हूं आप इनके साथ रिहर्सल करिए रिलैक्स 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 टेक इट इजी अमा नहीं वा मां नहीं वा इंजवा मत भूलना मेरी नजर तुम पे है
होशियारी की तो गोली मार दूंगी। என்ன பாருங்க அட என்ன பாருங்கம்மா இந்த பக்கம் இந்த பக்கம் மூஞ்சி காட்டுங்க ஸ்ரீதேவிக்கு அம்மாளத்தியா ஷட் அப் ஆ வாங்க வாங்க வா மா வா இங்க வா இங்க வா லோக்கர் ரகா சார் இங்க உட்காருங்க அப்பா ஓகே பைட் பைட் ஓகே சித்த ஓகே இடேமா பயப்படாதீங்க உட்காருங்க சித்தியே ஆ பெர்ஃபெக்ட் சார் எல்லாம் விக்டோரியா டிரைவர் சம்மாடி கொண்டு போடுறேன் ஐயே ஓகே கொல்லி செல்லாது அபி நீ சேமா கே பாரு டேய் இங்க வா இங்க வா இங்க வா இங்க வா இங்க போ இங்க உட்காரு ஒன் மோர் ரிஹர்சல் ரவுடி சார் ஒன் மோர் ரிஹர்சல் வித் டிரைவர் லேம் கோ ஹாத் லகா தோ கோலி மார் தூங்கா அண்ணா அண்ணா ரவுடி சார் யாரது யாரோ நான் யாரது ரிஹர்சல் பண்ணப்பா சுன் कल 3 AK-47 और 3 पिस्टल चाहिए समझ गया नहीं नहीं ज्यादा नहीं चाहिए है क्या चीफ मिनिस्टर उसका पिए जैसे ही गाड़ी से उतरेगा उनको उड़ा देना है अच्छा सुन कुछ ग्रेनेड भी ले लेना और उनको शूट करने के बाद ग्रेनेड फेंकेंगे और ब्लास्ट कर देंगे अच्छा समझ गया ना टाइम मालूम है ना सबको और जगह भी मालूम है ना अच्छा बस ठीक है अच्छा सुन उनको बोलना चीफ मिनिस्टर के लिए को अच्छा सेक्टर लें एसीपी जिमी जो सब बोल रहे हैं क्या हाँ कौन बोल रहे मैं आपका गुड लक बोल रहा हूँ घनश्याम धनवानी बंगाल शॉपिंग मॉल वाला देखो मैं बिजी हूँ बाद में फोन करो ठीक है अरे मेरी बात तो सुनो आपको ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको इतने मेडल मिलेंगे कि मेरे पास भी रखने को जगह नहीं होगा सच्ची बोलता हूँ कहाँ से बोल रहे हो मैं तो महबूब स्टूडियो से बोल रहा हूँ ना आप तो आए नहीं मेरे को आना पड़ा ना और देखो अगर इस खबर पे आपने इंटरेस्ट ले लिया ना तो समझो देखो समझो सीएम साहब की कब्र खुद ही देखो मैं टॉप इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ सीक्रेट का समझा ना हाँ सर सर मेरी बात सुन रहे हैं आप हेलो हेलो कैसी खबर हाँ सर खबर तो मैं सुनाऊंगा मगर मेरा नाम नहीं आना चाहिए साहब मैं धंधे वाला आदमी हूँ सच्ची बोलता हूँ सुनाओ क्या खबर ऐसा है एक आदमी चीफ मिनिस्टर को ग्रेनाइड बम से उड़ाने वाला है कौन सा आदमी ये उधर खड़ा है देखो ये उधर 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 खड़ा है कल जितने ही उधर चीफ मिनिस्टर की गड्डी आओगी दरवाजा खुलिया थार 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 सब शूट कर दे ग्रेनेड कटिया थार सीधा ब्लास्ट कौन है भाई वो स्टंट मास्टर है उसका रोज का काम है ये आप कौन है आपसे बात कर रहा हूँ आपको मालूम है मैं किससे बात कर रहा हूँ मैं एसीपी जिमी जोसेफ हूँ और आप मुझसे ही बात कर रहे हैं जिमी साहब मैं जिमी साहब से बात कर रहा था ये तो पेंट कर रहा था पार्ट टाइम कर रहा था क्या ऐसे भी पुलिस वालों को क्या मिलता है दिमाग लड़ा रहा है कि हीरे कौन से लैंप में है मेरे पता मम्मी जी बेबी जी शूट पन लामा द हॉर्सेस हैव टू गो Where is the coconut water? Where is the cold coffee? One coconut water with cold coffee. Action! Hey, back off! Enough, enough! अब शूटिंग मैं करूंगा वो भी कैमरे से नहीं अगर तुम्हारा ये सर्किस का ऑडिशन खत्म हो गया है तो मेरे हीरे मुझे वापस कर दो एसीपी जिमी जोसेफ देयर ही सेइंग समथिंग खून पसीना बहाए इतने और मलाई खाए एक हैं बहुत नाइंसाफी है ना भाइयों आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन तमिल फिल्म यू आर नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग जस्ट शूट लुक मेरे पास ये फिल्मी गिरी के लिए वक्त नहीं है डायमंड्स नाउ कमाल की जल्दी है आपको यहीं से चाहिए ये लो
diamond. Look, that hero destroying all the diamonds. Who is it? Hero, what is it? And what I'm asking, kiss with the arm. Sunenge. Hey, Krishna, come here. Hey, you need to get lost, damn it. Oh, mama, some fighters will take Sunenge hero. Take care of it. So, quickly, yeah, Baba Shah will take it. What diamond? What are they doing with my shooting diamond? Nakli hero, nakli sab. Hero. इसके नकली हीरे हैं और सर सर एक पेंटर को हमारे सूटे के नकली हीरे किसने दे दिए कौन है इंचार्ज इसका राका राउडी के साथ फेस कैसे मैच होएगा? Very simple. Fog. I will make it a dream sequence. Fog में इस आदमी को उस इंडियन से मैच कर दूंगा मैं. It's very simple. Brilliant sir. You are mind blowing. I'm always brilliant. Keep it up. Give me fog. अरे भाई मेरी बात सुनो भाई ढूंढने वालों. अरे आज एक ही बात हुई है भैया यार. अच्छा देखो आधा नहीं मिला दो चार को दियो यार. Bloody duckloo, I'm gonna shoot you. Out, out, out. Go on, everybody. Out, get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. मारूंगा फिर सबको मार डालूंगा. गुड बाय. दिस इज गोइंग टू बी माइंड ब्लोइंग. करेज करेज करेज. व्हाट्स सो फनी? हीरो की तरह बंदूक भी नकली है. फोकी चलिए तेरे बारे में बोल रहा है ना. आई एम रियल डॉक्टर राउडी ओरिजिनल सुपर स्टार. बता दें? नहीं तू बता यार. ये नाम के राजा नहीं है. ओए सचमुच के राजा हैं. ये देख क्या पी रहा है. ओए बीबी तू अंगूर की पीता होगा. हम तो हीरो की पीते हैं. हीरो की. हाँ नकली नहीं है. ये असली है. चल भी तू भी लगा दी कुछ ना. ओ लगाना यार. नहीं ओ ना. खेल खत्म पैसा हजम. नॉट सो फास्ट एसीपी जिमी जोसेफ. इस कहानी का अंत मैं लिखूंगी. ब्रावो दैट्स माय गर्ल. आई विन ऑलवेज. तुम ही एक लायक हो जो मेरे भरोसे के लायक है. कम ऑन क्विक. बस मिस्टर बम्बाटा वहीं रुक जाओ. तुम भूल गए हीरे एक औरत की सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं. आज तक तुम्हारी सारी प्लानिंग सारे कत्ल सिर्फ इसलिए हुए कि ये हीरे मुझ तक पहुंच सके. You're kidding, right? Come on, baby. Ah, don't move.
चलिए राणा साहब, लड़की का बाप जेल से छूट गया। बिल्कुल ठीक, सारा को एक अच्छा सा लड़का भी मिल गया, ये भी ठीक है। बॉबी बम्बाटा पागलखाने पहुंच गया, ये भी ठीक है। और देवयानी की लाश का भी पता नहीं चला, ये भी ठीक है। हम दोनों को 5-5 लाख रुपए इनाम में मिल गए, ये भी ठीक है। आप पंजाब जा रहे हैं, खेतीबाड़ी करेंगे, मैं मस्त मौला हूं, मेरा क्या है, मैं 5 लाख रुपए का क्या करूंगा। तो ये 5 लाख रुपए आप रख लीजिए, ये भी ठीक है। तो फिर मैं चलता हूं, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, अब अगर जा ही रहे हो तो एक वादा करके जाओ कि आज से ना तो तू शराब पिएगा और ना लड़कियों के पीछे भागेगा। ये भी ठीक है, तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा 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 आजा, एक बार आजा 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 आजा, झलक दिखला जा। एक मिनट मोहतरमा, मोहतरमा, एक मिनट, एक मिनट, ऐसा चलिए, आपके कदमों के नीचे मेरा दिल है। आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं तो आपकी चाल देख के पहचान गया था, आप यास्मीन बेगम हैं। के आपकी शक्ल मेरे दोस्त से मिलती जुलती है। तुम सुधरोगे नहीं ना कुत्ते के दुम की तरह, अपनी उम्र का तो ख्याल कर बुढ़ो। इट्स नॉट फेयर यार, उम्र का इससे क्या लेना देना, और लहरा के तुम ही तो मुझे फंसा रहे थे। और तुम क्या कर रहे हो, बरसों की दोस्ती छोड़कर भाग रहे हो, साले दो दिन नहीं रह पाएगा मेरे बगैर टक्कर, तू भी नहीं रह पाएगा, तू परे पीछे मार मत, तो क्या समझता है तू, नहीं सॉरी यार। हम आप लोग का एहसान कैसे चुका पाएंगे? स्कॉच की एक बोतल मिलेगी जी। ओए वो शर्मी की हद होती है टक्कण, वो क्या है जी कि जिंदगी भर बुरे काम करने के बाद एक काम अच्छा करो तो डर लगता है कहीं आदत ना पड़ जाए। 100 करोड़ के हीरे हाथ आए और निकल गए, दुख हो रहा होगा ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। 100 करोड़ की हमारी औकात कहां, वो सरकार ने जो 5 लाख दिए हैं वही हमारे लिए बहुत है। हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। लेकिन एक शर्त है। हाँ, ये लड़कों के कपड़े पहनकर विक्टोरिया में मत चढ़ें, सारे रोमांस का मजा खिरखिरा हो जाता है।